कोरोना काल के बाद से ही लोगों की आय में गिरावट का दौर शुरू हुआ, लेकिन साल 2022 से लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि शायद ये साल बेहतर साबित हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। आम जनता से लेकर दुनिया के अरबपतियों के लिए काफी कुछ अच्छा नहीं है। ये साल सिर्फ आम निवेशकों के लिए बुरा नहीं रहा, बल्कि दुनिया के अरबपतियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे वो टेस्ला के एलन मस्क हो या फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, सबकी संपत्ति में जनवरी से अब तक जबरदस्त गिरावट हुई है। लेकिन एक शख्स है जिसकी संपत्ति में इजाफा हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि गौतम अडानी है। चलिए आगे आपको बताते हैं कि इस साल अरबपतियों का क्या हाल हुआ। शेयर बाजार में आ रही गिरावट ने छोटे बड़े निवेशकों ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अरबपतियों की हालत खराब की है। 2022 में दुनिया भर के धन कुबेरों के खरबों डॉलर डूबे, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की दौलत में भी भारी गिरावट आई। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक 2022 के शुरुआती 6 महीनों में ही एलन मस्क की दौलत में करीब 60 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर अडानी अंबानी की दौलत में इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग के बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क की कुल दौलत साल के शुरुआती 6 महीनों में घटकर 210 अरब डॉलर रह गई है। इन 6 महीनों के दौरान एलन मस्क की करीब करीब 60 अरब डॉलर स्वाहा हो चुका है। जेफ बेजोस, दुनिया के दूसरे अरबपति जेफ बेजोस की दौलत भी अब 133 अरब डॉलर रह गई है। उनकी दौलत में 6 महीनों में करीब 60 अरब डॉलर की गिरावट आई है। 2022 के शुरुआती 6 महीनों में टॉप 10 में शामिल सिर्फ भारतीय अरबपतियों की दौलत में ही इजाफा हुआ है। गौतम अडानी की दौलत 22.3 अरब डॉलर बढ़कर 98.8 अरब डॉलर हो गई है। अभी टॉप 10 लोगों की लिस्ट में वो छठे स्थान पर है। मुकेश अंबानी की दौलत में 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और उनकी कुल दौलत 93 अरब डॉलर के करीब हो गई है। अजीम प्रेमजी की दौलत इस दौरान 15.5 अरब डॉलर घटी। शिव नाडर को 8.51 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। राधा किशन दमानी को 7.40 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। लक्ष्मी मित्तल को 4.59 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर इस साल की शुरुआती 6 महीनों की बात करें तो फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। मार्क जुकरबर्ग 2022 में जुकरबर्ग की कुल दौलत 60 अरब डॉलर रह गई है। इस दौरान उनकी दौलत में 65.9 अरब डॉलर की गिरावट आई है। जुकरबर्ग की दौलत में आधे से भी अधिक की गिरावट आई है और इसी वजह से अब वो टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। जुकरबर्ग अब 17वें पायदान पर पहुंच गए हैं। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट की दौलत 2022 की शुरुआती 6 महीनों में 50.4 अरब डॉलर घटने के बाद 128 अरब डॉलर रह गई है। बिलगेट्स की दौलत 22.9 अरब डॉलर गिरकर 115 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। लैरी पेज को 29.3 अरब डॉलर और वॉरेन बफे को 12.5 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ। सर्जी ब्रिन की दौलत 28.3 अरब डॉलर घटी। स्वीट वालमार्ट को 13.7 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। यानी ये कहा जा सकता है कि भारत के 2 अरबपति दुनिया के शीर्ष धन कुबेरों में शामिल हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी की संपत्ति 2022 में 3.66 अरब डॉलर घटकर 83.3 अरब डॉलर रह गई है और वो अब 11वें स्थान पर आ गए हैं। वहीं अडानी ग्रुप के गौतम अडानी इकलौते ऐसे अरबपति हैं जो लगातार चमक रहे हैं। इसी दौरान उनकी संपत्ति 22.3 अरब डॉलर बढ़ी है और उनकी कुल संपत्ति 98.8 अरब डॉलर हो गई है। वो अब दुनिया के 6वें सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं।